Architecture has always defined the human world, from the simplest structures to the greatest monuments. But a rebellion is underway, led by a new breed of architect that puts people before icons. Architects using the tools of their trade to restructure their surroundings and redefine their profession. अभी जो अगस्त में जो बहुत ही बड़ा एक सैलाब आया जिसने कि पूरे इस एरिया को अफेक्ट किया, दैट मीन्स इट रोज समथिंग लाइक 8 or 9 feet फ्रॉम द एक्चुअल लेवल जो अभी है. और इससे ये हुआ कि जितने भी गांव इसके साथ साथ थे जो नॉर्मली भी अफेक्टेड होते थे, लेकिन अब बिल्कुल तबाह हो गए. हम दरिया खान शेख गांव में जा रहे हैं, जहां पे हमने 2010 के फ्लड्स के बाद घर और इमारतें बनाई थी. हम देखने जा रहे हैं कि 2013 के फ्लड्स के बाद उनका क्या हाल रहा है. क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल फिर? हाँ, खुश. चल के देखें कि कैसे आप उस तरफ, आपका क्या हाल है. आप इस पे निशान लगा के मुझे बताओ ना, इस पे बताओ कहाँ तक पानी आया था. ये इसके ऊपर चला गया था? जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर का बिल्कुल इधर तक आया था, यहाँ तक पानी आ गया था. हाँ, ये मिट्टी जो हमने दोबारा लगाई है, ये सारे का सारा दोबारा लगाया. ये मरम्मत आप इसकी अभी कर रहे हो? हमारा सेंटर जो बने थे, इनसे कोई फायदा पहुँचा है आप लोगों को? तकरीबन कितने बंदे वहाँ पे जाके रह सके थे इसके अंदर? इसमें 12 से 15, 20 बंदे इधर गए. 20 बंदे और सारा सामान भी? सारा सामान भी. हाँ. सामान इकट्ठा किया था. हाँ. 15 से 20 बंदे इधर रहे, एक पे रहते. ऐसी जगह हमें चाहिए हमेशा फ्लड एरियाज के अंदर जहाँ पे एलिवेटेड हों, सो दैट पीपल कैन टेक रेफ्यूज. So that's the reason why I designed structures that were on stilts, and this we could do with bamboo quite easily. This gives you shade in the summer scorching months, and the upper level we began to use as a women's center. So during the floods, since the lower section is clear, flood waters can flow through quite easily. And if, God forbid, the levels rise to 7 or 8 feet, at least the people will be quite safe on the upper level. And in this way, they do not get displaced, and they also do not lose all their belongings. If they were displaced, they would take them several months before they could come back and start again. So humne 5-6 ladke ek saath milke ye ek bhari wazan bhi uthaya. Ha. Ek ek saath karke ek ye jo center hai isme mere khayal se ye 5-6 घर का ये सामान इसमें रखा है. आ गया. हाँ. और ये इसमें क्या क्या सामान, तो काफी भारी है ये. हाँ, ये भारी है. इसमें मेरे ख्याल में बर्तन होंगे और ये कंबल वगैरह जो भी कुछ मिले थे वो भी इसमें, और खाने पीने की चीजें भी मेरे ख्याल है ना इसके अंदर. हाँ, इसमें वो खाने पीने के बर्तन भी है. तो ये तो काफी लोड आप लोगों ने इस पे डाला है, और ये फिर भी संभल गया. हाँ, संभल गया है, सही रहा है. ये बहुत वजन है इस पे हमने रखा है. जी तो अब ये कि अभी हम जाएंगे जो है जतोई के नाम से गांव है, और उसमें हम जाके देखेंगे कि अभी वहां पर क्या हाल है. ये इकड़े आदमी जाए झुका होएगा, ये खत्म है. इकड़े आदमी जाए खत्म है, इकड़े आदमी जाए ये खत्म है घर, इकड़े आदमी जाए घर खत्म है, ये सारा घर है.
ते ता ता इन घर को ता केतरो गाणो पर माना बाहर रहया जो बोडाई ते महीनो या डेढ़ महीना हां इन के ब महीना कन थे जो सा के बोड अगली में बाहर होया थे भाई ये सारी भित किरी का ये सारी किरी पे है भित ये दो भी ये सारी ये हमारे अपने जो घर बने हुए हैं कच्चे घर ये उनका नक्शा है ये जो सपोर्टे लगी हुई है स्ट्रक्चर है ये हमारा घर का ये क्या बंद कर ये कहां से आई है ये क्या जमा किया ये इधर घर बना हुआ था ना इधर इधर जो घर बना था गिर गया ये कौन सा वो किधर बना था ये ईंट बना है तो ये जो ईंटें हैं ये उस घर से हैं जो गिर गया दिस इज बर्न ब्रिक और ये घर पूरा गिर गया था उसकी ईंटें जमा करके इधर रखी हैं सो बर्न ब्रिक इज नो सेफ्टी अगेंस्ट यू नो ऑल दिस रेन एंड फ्लडिंग इसी जो हमने रिसर्च की थी ना तो हमें यही पता चला था कि दीवारें नॉर्मली सही हैं द ओनली प्रॉब्लम इज द बेस जहाँ पे इरोजन होती है अदर प्रॉब्लम इज द टॉप ऑफ द वॉल जहाँ से कि पानी अंदर जाता है और उसकी वजह यह कि छतें जो है वो बड़ी ख़राब हैं सो यू कैन सी हियर टू द रूफ्स हैव ऑल गॉन एंड द वॉल्स आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ द यू नो द बिकमिंग एक्सपोज्ड टू वाटर एंड एवरीथिंग बिकॉज द रूफ्स आर गॉन आप अपने यहाँ लोगों को तैयार करें अब वक्त आ गया कि आपकी मदद हुई थी अब आप इनकी मदद करो इंशाल्लाह ठीक है ना क्या ख्याल है मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा रहेगा है ना आपकी मदद हमने की अब आप इनकी करो आगे नेक्स्ट हो तो ये लोग आगों की मदद करें ऐसे ही काम चलेगा क्योंकि कुछ नहीं पता हमें कहाँ से हुकूमत के पास वसीले हैं कि नहीं वो आए कि नहीं पहुँचें कि नहीं आप लोगों तक है ना तो फिर इसलिए खुद ही करना होगा खुद ही करना पड़ेगा खुद ही करेंगे सही बात है Thank you. जब हम ट्रेनिंग करते हैं आर्किटेक्ट के तौर पे, तो तब तक हमें ये सिखाया जाता है कि आर्किटेक्चर इज लाइक गॉड बिकॉज यू क्रिएट थिंग्स तो उसमें फिर आपका ईगो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है बिकॉज आप समझते हैं कि जो चीज़ आप करते हैं वैसा तो कोई नहीं कर सकता एक तरह से ये कहा जा सकता है कि शायद जो काम जिस तरह का मैं अब कर रही हूँ या जिसमें इन्वॉल्व हूँ वो इससे बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि ये जो है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है इसमें सारे मटेरियल्स बड़े महंगे लगाए गए हैं इसके अंदर जो तमाम रिफ्लेक्टिव ग्लास है वो भी बाहर से आया हुआ है इसमें जो ग्रेनाइट है वो लोकल है लेकिन वो बहुत ही महंगा अब जो हमारी कोशिश है वो बिल्कुल ही फ़र्क है जहाँ पर हम बिल्कुल ही सस्ते से सस्ता सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं और इस लिहाज से मैं भी यहाँ बहुत सालों के बाद आई हूँ तो मुझे भी कुछ बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर आके देखना और ये करना क्योंकि अब तो कुछ और ही काम है और दुनिया ही दूसरी है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं लेकिन 1980 में हमने हेरिटेज फाउंडेशन की डाक बेल डाली है तो तब से बहुत ज़्यादा काम जो था वो पुराने शहरों का या तारीखी इमारतों का हमने करना शुरू किया अब यूँ है कि अब जो हम काम कर रहे हैं फ्लड के एरिया में और जो ह्यूमैनिटेरियन एड के सिलसिले में तो उसमें हमारा इस्तेमाल चूने का बहुत ज़्यादा है चूने का जो इस्तेमाल है वो मैंने पुरानी इमारतों से सीखा अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये आप देखते हैं ये मोर्टर है यहाँ पर बेसिकली इसमें मड मोर्टर है और सैंड है और चिरोली का लाइम है तो हम जिस साइड पे खड़े हैं यहाँ पे आप यूँ समझिए कि कम से कम 14वीं सदी से लाइम का इस्तेमाल मुसलसल हो रहा है और आप देखती हैं कि हालांकि इनका हाल ख़राब हो गया ये तो हमने अब इसको काफ़ी ज़्यादा संभाला दे दिया है लेकिन वरना अगर आप देखते तो बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा इसकी इरोजन है लेकिन जो मोर्टर है वो फिर भी सलामत है ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्चुअली हमारी नहीं हैं ये एक ट्रस्ट है जो कि हमारे अगलों ने हमको दिया है तो लिहाजा इनको संभालना इन पे काम करना इनको बिल्कुल बचा के रखना ये हमारा एक फ़र्ज़ है
और यही मैं चाहती हूँ कि यंग लोग इसमें बहुत ज़्यादा आएँ, क्योंकि ये उनकी अमानत है। देखा इनका क्या हो रहा है, ये वाला अभी लगा रहे हैं, पहला कोट इसका हो रहा है। हाँ, इसके ऊपर भी आपको वो करना होगा। ये आपके हर गाले में ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो आपको खत्म होता है ना बांस के बिल्कुल ऊपर आके खत्म हो, इसका वो नजर ना आए आपको। नईम साहब जो हैं हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के, और इन्होंने बहुत सारे काम किए और लाइन पे बहुत बेइंतहा काम किया है, और मड में भी और बैम्बू में भी, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में एक्सपर्टीज़ अगर किसी के पास है हेरिटेज फाउंडेशन में तो इनके पास है, जिसमें कि इनको पता है कि क्या करवाना है। इन्होंने बहुत सारे आर्टिजन को ट्रेन किया है मुख्तलिफ तरह से, जो कि फिर वो चीज़ें आगे लेके गए। अब इसके बाहर से प्रोजेक्शन भी बन गई, अब इसके सारे पे हमारी फैश हो जाएगी। पहले जो घर बनाया वो उसमें ईंटें हमने खुद दी, अब ये दूसरा घर है इसमें ईंटें ये घर वाला खुद दे रहा है, इसने खुद पेमेंट की है, पैसे अरेंज किए और खुद कर रहा है, और साथ ये मदद भी उस पर कम मदद मिली थी, लेकिन इस पर अभी ज़्यादा मदद हो रही है, क्योंकि उस घर वाले भी अब इस घर में आके शामिल हो गए हैं। फिर यही चेन हमारा आगे चलेगा, अभी इसमें जो लोग काम सीख रहे हैं वो अगले घर में जाके काम बाकायदा करेंगे। फिर यहाँ पे विंडोज़ का पाइप 4 फुट, इस गांव में पहला काम है जो हम लोगों को साथ में ला के काम कर रहे हैं और साथ साथ चीज़ें सिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर आ रही है, तो इंशाल्लाह काम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। We found that the base was the most vulnerable because the water hitting the base, there was no protection to that, so that affected the walls. They need to make sure that the walls have these toes. This we have to have in layered mud, so this is all layered mud. Or Iskender, we have lime in that, and then the wall is taken up. Raised platform, basically, of at least 1'6". If the water comes in, this layered mud and lime will protect it. And above this, we can start our mud brick. Then we have to put a render of lime on this. And that would protect it from any kind of water or flooding. And the roof is extended out both sides. So the top of the wall is protected. And then, of course, we have the roof covering, which is, again, matting and plastic sheet and then just a layer of mud and lime. And it is the lime that protects it entirely. We should treat each one of these so-called poor people in these areas as a corporate client. और अगर PSO house में हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं बनाने में तो हम क्यों नहीं, क्योंकि ये तो replicate होता है ना, ये तो कितने हज़ारों बनते हैं।
हर तरफ तबाही, हर तरफ तबाही, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज हैव बीन डिमोलिश्ड। अभी 250 से ज़्यादा की तो खबर आ चुकी कि ख़त्म हो गए लोग। चूँकि जो ज़िला आवरान है वो वसी व अरीज इलाके पर मुहित है और दुश्वार गुज़ारी है, पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। लुक एट दिस, ये कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, ये तमाम गिरे किसी के ऊपर भी तो ख़त्म। हादसे के बाद यही होता है कि हम पहुँचे होते हैं मदद पहुँचाने को, काश कि हम वहाँ पे हर जगह पे हमारे पास स्टोर्स हों, पहले से तैयारी हो। मतलब हम जलजले का तो खैर नहीं कह सकते कब आएगा, लेकिन ये कि हमें पता तो है कि कहाँ पे आ सकता है, तो कम से कम ये हो कि 3 दिन के लिए कोई ना कोई चीज़ें स्टोर हों, एंड दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। हाँ जी वालिद साहब, जी जी यास्मीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? अच्छा यास्मीन, आपका वो प्रपोज़ल मैं पूरा तैयार कर रही हूँ कि क्या क्या करना होगा। पहले अगर आप आवरान में ही काम शुरू करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही मुझे लगता है वहीं आई है, तो अगर आपके कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से, यू नो, जहाँ उनकी फैमिलीज़ हैं अगर वहाँ पर, और अगर आप उनको देखें कि भेज सकें, ज़रा कुछ मुझे आप बताओ कि कब आप ये कर सकते हो। आपके पास अभी मैं थोड़ी देर में, कोई आधे घंटे में आपको पूरा प्रपोजल भेज दूंगी कि आपको क्या करना है और हम जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ यास्मीन गुल, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, और इनके स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने सुबह इन लोगों से बात की है, तो ये स्टूडेंट्स अपने अब जमा कर रहे हैं जो जो जिस इलाके के हैं, और जिस इलाके में हुआ है वहीं के बच्चे वहाँ जाके काम करेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू सी हाउ टू पुट द टीम्स टुगेदर। और फिर अभी हमारे जो एक पता जब सर्वे हो जाएगा तो फिर हम इसका डिज़ाइन में देखेंगे क्या करना है, और फिर ईद के बाद इनके 10 स्टूडेंट्स को हम ला के अपना वहाँ मोक शरीफ में उनको हम ट्रेन कर देंगे। प्रिंसिपल वन इज सेफ्टी ऑफ लाइफ, इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं कि इंसान की जानें जो हैं वो बचें। जो खाना पीना है वो किसी से महफूज जगह पे होना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी तबाही है वहाँ पे यही है कि वहाँ पे अब लोग जो हैं जब तक उनको कोई मदद ना पहुँचे वो खुद तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। 2005 में बहुत फंडिंग आई पाकिस्तान में, इतनी फंडिंग आई कि अनबिलीवेबल, जो हमारे 2005 के फैक्ट्री थे वो फिर हाथ फैला के बैठ गए कि हाँ जी अब तो कोई ना कोई हमें आके चीज़ दे। एक तो डोनर फटीक सेट होने की हो गई है, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात हुई है। जो बाहर के लोग हैं ना वो अब तंग आ गए पैसे दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हम तरीके ढूंढेंगे कि हमें अपने आप से, अपनी हिम्मत से हम क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक बात है ना? इसीलिए जो ये सारा वर्नैक्युलर का जो सिलसिला है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको किसी और पर रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सोचना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम कहाँ के लिए काम कर रहे हैं, किस जगह के लिए कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, मौसम का क्या है, मटेरियल्स क्या है, और फिर आप चीज़ों को समझ के आगे चल सकते हैं। वी कैन बी मच टू डिस्कस एंड वी कैन यू नो सी हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड होपफुली वी ब्रेन वॉश ऑल दीज यंग पीपल एंड दैट बी वन गुड स्टार्ट। क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी से निकल के भी जाओगे तो नहीं होगा ऐसा, हकीकत है सर। सर ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
ट्रांसपोर्ट का मसला नजर रखती है। कोलों के लिए स्पेशल इसके जाले बनेंगे, री एनफोर्समेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसके कोलों में। इससे ग्रिप ज़्यादा बनती है दीवार की और पूरी दीवार आपकी चारों तरफ से इस जाले के साथ टाई हो जाती है। ये अर्थ के लिए बहुत अहम है, मतलब कि ये बॉन्डिंग इसकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें और यहाँ से जब हम वाराणसी जाएंगे इंशाल्लाह यही चीज़ हम वहाँ पर बार बार दोहराते रहेंगे। ये तो हमारे बाप ने बड़ी मुश्किल से बनवाया है। मैंने देखा कि ये हमारे दो भाई हैं, तीन भाई हैं, उनके लिए बाप ने बनवाया, तीनों भी गिर गए हैं। वो चाचा का कहना है कि आप अपना ईंट और वो जो खाक हैं वो लाएं, हम बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जो गिरे हुए हैं मकानों का जो ईंट हैं हम उनको ला कर जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाएँ ताकि हम इनके अंदर रह सकें। हमारे बच्चे सुकून से रहेंगे तो सर्दी से बच जाएँगे, बशर्ते कि नस्बत इस टेंट से जो कि बर्फ़ की तरह हैं आज आप देख रहे हैं, जो सर्दी में बिल्कुल ऐसे एसी हैं और गर्मी में वो जो जैसे इसमें हीटर लगे हुए हैं, इनमें तो हम मजबूरी से गुजारा कर रहे हैं। जो सेमेस्टर की प्रॉब्लम थी वो कुछ आड़े आ गई, कुछ ये हुआ कि उनको लगा कि वहाँ खतरात बहुत ज़्यादा हैं तो लिहाजा वो कुछ पीछे हट गए। लेकिन चूंकि हमारी पूरी कमिटमेंट थी कि हमें वहाँ जाके बहरसूरत बनाना था ताकि हम लोगों को दिखा सकें, तो फिर हमारी दूसरी टीम जो यहाँ काम करती वही टीम गई और हमारे आर्टिजन्स गए और फिर हमने वहाँ के आर्टिजन्स को ट्रेन किया। हाँ भाई सो नहीं है इस जाले के साथ तीन इस तरह की क्रॉसिंग दिए हुई है, ये बिल्कुल कोना मजबूत हो गया यहाँ से ये और यहाँ तक ये आता है, ये दोनों तरफ से बिल्कुल मजबूत और फर्स्ट क्लास कोना है। जिस तरह इनके कोने निकले हैं इंशाल्लाह ये कोने कभी भी नहीं निकलेंगे, ये बिल्कुल मजबूत मजबूत कोने होंगे। A lot of times all of us either have been trained abroad or have been influenced by trends that are happening elsewhere and so you lose out on trying to find out what you are. पहले हम सिर्फ अंग्रेज़ों की बीवी किताबें पढ़ते रहे, हमने कुछ अपनी किताबें लिखी, हमें बहुत सारी अपनी किताबें लिखनी चाहिए क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशन फ़र्क होगी। तो हमें काम बहुत सारा करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर हमारे रियलिटी से रिलेट करे तो हमें बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी होगी। आपका घर बन गया, आपको मुबारक हो। देखो तो खुद की है घर सर, आता है घर रहल होता है घर आए आप खुद की आजा जो घर भलो हुआ भलो आता है घर घर आए आजा जो घर भलो हुआ सारे महफूज दिया से दिया कम बचिया से बरसात कम बचिया से नंदे बच्चे बचिया सारे ऐसा अंदर महफूज हो जाए। हे हे दिसो हेड़ो घर तासा ने होयो हे ट्राई से जाओ घर आ दिसो होयो होयो घर आ दिसो ओयो ओयो दे माथे तक अरे ओयो घर ओयो ओयो ओहो ओ साजे भलो गुड वेरी गुड घर भलो थियो वेरी गुड रा ओयो घर ओयो वेरी गुड वेरी गुड घर भला थिया ने दिसो वेरी गुड।